गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन का हेडिंग क्या लिखा गया है। क्वेश्चन का हेडिंग लिखा गया है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाएं। ठीक है, तो देखिए इसके तहत 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो संख्या दिया गया है और इसको हम लोग सन्निकटित करते हैं, उसके बाद इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी संख्या दिया गया है कॉलेज को हम जिस आधार में दिया गया है, सैकड़ा में या दहाई में या हजार में, उसके आधार पे हम इसको सरलीकृत पद करेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देंगे, आपको समझेंगे इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक नंबर 578 गुणे 161। अब देखिए इसमें जो संख्या दिया गया है इसको हम सैकड़ा तक सरलीकृत करेंगे। क्यों जी? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, इसलिए सैकड़ा तक संख्या दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको हम सैकड़ा तक सरलीकृत करेंगे। तो इसका हम क्या रूल बताए थे आपको, तो इसका रूल बताए थे आप लोगों को कि संख्या, ठीक है, 4 से लेकर के, सॉरी संख्या 1 से लेकर के, ठीक है, 9 के बीच का हो तो क्या होता है जी, वो संख्या जो होता है 10 से सर्वाधिक करीब होता है। तो यहाँ देखेंगे इकाई दहाई, यहाँ क्या है 8 है, 8 क्या है 10 के सर्वाधिक करीब है, तो हम लोग यहाँ तो दहाई तक इसको सरकटित करेंगे। यानी इसको हम देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हम 6। कैसे जी? क्योंकि जो 8 है, ठीक है, 8 क्या है, ये जो है 10 के सर्वाधिक करीब है। ठीक है, इसलिए हम सोच सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा इसको 600, और क्या बचा जी, ये बचा कि क्या है 161 है, यहाँ क्या है 61 है, तो 61 जो है, ठीक है, ये क्या है कि ये 100 के सर्वाधिक करीब है, यानी ये क्या है 161 जो है ये 200 के सर्वाधिक करीब है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 200। अच्छा, गुना करेंगे, ठीक है, इसको संकल्प करते हैं, इसको गुना करेंगे, क्या आएगा 6 दुगुनी 12, 12 को 4 जीरो, यानी इसको हम पढ़ सकते हैं 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 यानी पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकेंड का है बी नंबर 5,281 इंटू 3,491, इसको हल करेंगे 5,281 इंटू 3,491, इसको भी बोले क्या करेंगे जी, तो इसको भी बोले सरलीकृत करेंगे 1,000। ठीक है, क्योंकि क्या है जी इकाई दहाई सैकड़ा 1,000, जो संख्या दिया गया है 1,000 में, तो इसको हम लोग 1,000 तक वाले सरलीकृत करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ क्या दिया है 5,281 है, अब यहाँ क्या है कि 281 है, मान यहाँ पर क्या है इसके 1 है, तो इसमें बताया गया था कि संख्या 501 से 999 के बीच का जो संख्या होता है वो होता है 100 के सर्वाधिक, सॉरी 1,000 के सर्वाधिक करीब होता है। तब जी जब संख्या 501 से 999 के बीच का हो तो ये जो संख्या होता है 1,000 के सर्वाधिक करीब होता है। ठीक है, यहाँ क्या है जी, यहाँ क्या है इकाई दहाई सैकड़ा, क्या है जी 1,000, यानी ये क्या है 200, कितना है जी 81 है, यानी
ये जो 501 ठीक है, 501 सौ 9 सेकंड के बीच का नहीं है, ये जो संख्या है ये जो है आपका 1 से लेकर के 4 सेकंड के बीच का संख्या है, यानी ये जो आपका है 1 से लेकर के 4 सेकंड के बीच का संख्या है। तो इसमें आप लोग बताए थे कि इस परिस्थिति में जो संख्या होता है ये क्या होता है, ये 0 के सर्वाधिक करीब होता है, ठीक है, ये करके नहीं है 0 के सर्वाधिक करीब होता है। तो इसको हम लिखेंगे कितना दिन, इसको लिखेंगे 5000, क्यों, क्योंकि यह जो है एक है सर्वाधिक करीब ना होकर यह 0 के सर्वाधिक करीब है, क्योंकि कितना 281 है, ये क्या है 100 से 4 के बीच का ये संख्या है, ठीक है। तो इसे हम सरल करेंगे 5000 के रूप में, ठीक है, इसे हम लिखेंगे कितना दिन 5000 इंटू, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 491 है, अभी हम बताए हैं कि 1 से लेकर के 499 के बीच का हो तो क्या होगा, और 0 का सर्वाधिक करीब होगा, तो यहाँ क्या है 491 है, ये भी क्या है, तो इसको हम लिखेंगे कितना 3000, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह क्या है यह 0 का सर्वाधिक करीब है न कि 1 है सर्वाधिक करीब है, ये कितना जाएगा जी, यह प्रोजेक्ट 5 15, ठीक है, 3 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ज्यादा करेंगे 1 2 3 कमा ये हो जाएगा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़, ठीक है 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख, तो इसका आंसर होगा 1 करोड़ 50 लाख। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड देखेंगे, इसमें लिखा है 1291 इंटू 592 इकाई दहाई सैकड़ा हजार को दिया गया हजार तक, तो इसको पहले हजार तक संकलित कर लेंगे, और ये दिया गया सैकड़ा तक, इसको भी हम लोग सैकड़ा तक संकलित कर लेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना आएगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना आएगी 291 है, क्या है 291 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे जी, आओ देखिए क्या है, दूसरे कारण इसको नहीं सकते कितना जी 1300, तो यहाँ क्या है 1291 है, यानी जो संख्या है 1300 करीब है, और यहाँ क्या है 592 है, यानी कि क्या है 677 सर्वाधिक करीब है 600, कितना हो जाएगा 77 पे 40, ठीक है, यानी 780000, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यहाँ तो दिया है 9250 इंटू 29, क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना, ये 250 है, यानी ये जो है 9000 के सर्वाधिक करीब है, गुणे ये जो 29 जो है इसको हम लोग संकलित करेंगे दहाई तक, यानी इकाई दहाई देखेंगे कि यह क्या है, यह 30 के सर्वाधिक करीब है, इसे लिखेंगे 30, 9 3 27 से 4 0 यानी 270000, इसका आंसर होगा 270000, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग हम हल कर चुके हैं, इसे आप लोग नोट कीजिए समझिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।